देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि रुद्र के दिमाग पर किसी भी किस्म का प्रश्न नहीं आना चाहिए। देखा आपने, अभी तो शुरुआत है, दोबारा ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा प्लीज। मैं इस कंडीशन में हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। क्या करूं, क्या करूं डॉक्टर साहब, माँ हूं ना, अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरी बहू की आंखों में आंसू कैसे देखूं मैं? गौरी, क्या करें गौरी, तू ही बता, अब क्या करूं मैं इसका? पीहू, तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। मुझे पता है रुद्र कि अब मुझे क्या करना है। गौरी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? यू प्लीज समझने की कोशिश करो। तुमने रुद्र की हालत तो देखी है ना, ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो पीहू, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि जो रुद्र मांगे उसे ला कर दो, तभी उसके ठीक होने के चांसेस है, और वो इस वक्त से तुम्हारे नाम की रट लगाए बैठा है पीहू। गौरी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ये मैं नहीं कह रही हूँ पीहू, हमारी किस्मत हमसे कह रही है, हमारी किस्मत हमसे कह रही है पीहू कि एक बार फिर तुम उसकी जिंदगी में आओ और उसे ठीक कर दो। पता है पीहू, जब अभी जब रुद्र ने मुझे छुआ ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो सिर्फ तब ठीक हो सकता अगर तुम उसके सामने रहोगी। कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी किस्मत उधार दे दो प्लीज। कुछ नहीं होगा, तुम एक कैसी पत्नी हो जो एक दूसरी औरत को स्वीकार कर रही हो? तो जो दुनिया को सच समझ रहा है वो दुनिया है ही नहीं गौरी, कुछ बदल चुका है, तब से लेकर अब तक सब कुछ बदल चुका है। मैं कैसे बुला दूं कि मैं एक विधवा हूं, पति को कैसे बुला दूं मैं? रुद्र जिस पीहू को समझ रहा है ना, वो आखिर मर चुकी है, वो मर चुकी है गौरी, सब नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। यू प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, फिलहाल हम रुद्र को सच्चाई नहीं बता सकते हैं पीहू, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए वो कोई बात मायने नहीं रखती है पीहू। उसे ये सब बताने की जरूरत क्या है कि मेरी और अभय की शादी हो चुकी है और अब मैं एक विधवा हूँ? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसे कहे कि मैं उसे मिलने आऊंगी, इंतजार करें, शायद इस इंतजार में सब कुछ ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ। और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो अगर वो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहा तो ये इंतजार तो उसके गले में अटक कर ही रह जाएगा। क्या होगा फिर, जानती हो क्या होगा? ना वो चैन से जी पाएगा ना मर पाएगा, यही जानती हो तुम? यूं ये मत भूलो कि वो हमेशा हर कदम पर तुम्हारे लिए खड़ा रहा है, तुम्हारी मदद करने के लिए। आज तुम्हारी बारी है उसकी मदद करने की। प्लीज पुत्र को ठीक करने के लिए मुझे किसी
किसी भी तरह पीहू को मनाना ही होगा। रास्ता है मेरे पास। संजोग से बनी संगिनी। कुछ तो गड़बड़ है, लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं? हम गुस्सा ही होगी शायद, तभी तो वो यहाँ नहीं आ रही। जरूर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। उसे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे उसे मिलना पड़ेगा। कहाँ गया होगा? चला गया रुद्र। भाई साहब, ये घर वाले कहाँ गए? आप कहाँ से आए भाई साहब? इस घर में रहने वाला पूरा परिवार तो कब से विदेश चला गया? विदेश चला गया वो कैसे हो सकता है? पीहू है ना उनकी बेटी, इनकी एक बेटी पीहू। मैंने तो सुना उनकी शादी हो गई है। क्या बकरे यार, कुछ भी बोल रहे हो। एक दिन में किसी की शादी कैसे हो सकती है? कल तक शादी नहीं थी, अब शादी हो गई। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरे ख्याल से आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। रूटू का कुछ पता चला आप लोगों को? बेटा मैंने सब जगह ढूंढ लिया उसे। राजरानी उसको मार्केट में ढूंढने गई। दादाजी कहीं देवर जी को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? ये बातें मत बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हेलो, आपने मुझसे झूठ बोला। तू कहाँ है बेटा, कहाँ है तू? आप सब ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। दादू मैं मर गया था कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि हवेली बेचनी पड़ी आपको। बेटा तुम कैसे हो गए सब कुछ, अब मुझे बताइए। मैं सच बताना दादू, मैं कितने दिनों से बेहोश हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि कितने दिनों से बेहोश हूँ, क्योंकि पिछले दो दिनों में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। ये बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। वो पीहू, पीहू क्या पीहू? हाँ रुद्र बेटा, हमें आधे घंटे के बाद घाट पे मिलो, वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हमें घाट पे मिलो। गौरी, रुद्र का कुछ पता चला? पीहू तुम्हें एक बार फिर से रुद्र की पीहू बनना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? पीहू ना अपने खातिर, ना रुद्र के खातिर, ना तुम्हारे खातिर, ये भी तुमसे अपने बच्चे के खातिर मांग रही हो पीहू। पीहू
इस मासूम का वास्ता। पीहू बस एक बार रुद्र का प्यार बन के उसकी जिंदगी में आ जाओ। गौरी, उसे उसकी जिंदगी दे दो पीहू। पीहू, अगर रुद्र को कुछ हो गया ना तो उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खो देगा। मेरे पति और मेरे बच्चे को बचा दो पीहू, प्लीज। तुम ऐसा करके एक नहीं दो दो जिंदगियों पर एहसान करोगी। प्लीज पीहू, प्लीज प्लीज मुझे बचा दो। गौरी, क्यों नहीं आई, कोई बताएगा? अरे आप सब लोग इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं, इनको कैसे पता होगा? अब तो मेरा दर्द समझती है। प्लीज मेरे घर वालों से कहिए कि मुझे पीहू से मिलना है। मुझे प्लीज बताए कि है कहां वो, क्या हो रहा है उसके साथ। मेरा जानना बहुत जरूरी है, मैं प्यार करता हूं उससे। देखिए रुद्र जी, आप परेशान मत होइए, आप शांत हो जाइए, आपकी पीहू यही है। तेरी संजो
माजी, अब आप देखिएगा रुद्र को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।